आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया खो गए सपनों में हम। मेरे ने हर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा ये हरी हरी चूड़िया। जल्दी बताओ ना, अबे वो था ना, वो वाला हमारे देख लिया। अरे बच्चों चलो चल के खाना खाओ। फूफो अभी नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं 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 अम्मी क्या कह रही हैं? बच्चों आप देख लिए ना, अभी हम गानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, अभी नहीं तंग करें प्लीज। बचा ले जो ये लोग सुन ले। चले चले गाएं भाई, गाएं। चलो चलो गाएं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे वाह दूल्हे भाई आ गए। कैसा है? आज आप भी बैठे। वैसे ही बहुत मुश्किल में है। देखो हारिस भाई, आप हमारी टीम में नहीं है। नहीं है, तुम्हारी टीम में नहीं है यार। दान अच्छा कौन सा गाना था? अरे नहीं आएगा भाई, छोड़ दो। ये दुनिया झूठी यार। अरे आसिम भाई अभी हम गानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, प्लीज अभी तंग मत करें। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे दे। अरे कल दुल्हन वालों के यहाँ जाकर नाच के गा के तुम लोगों का दिल नहीं भरा? थके नहीं अभी तक तुम लोग? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, हम सब ने देखा था लड़की वालों की पार्टी ना, मैं किस तरह जा रहा था। आज हम जीत के रहेंगे। अरे हार में हम जीतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जंग थोड़ी है जो हार और जीत हो रही है। और तुम दुल्हा हो, थोड़ी शर्म करो। तुम इनके साथ क्या शोर मचाने बैठ गए हो? हासिम भाई जबरदस्ती बिठा लिया इन्होंने मुझे और तुम बैठ गए, वरना इनका बस चलता ना तो ये शादी ही ना करते। That's true. वैसे असूलन शादी तो पहले हासिम भाई की होनी चाहिए थी, बड़े भाई है ना। बकवास बंद करो दानी और चलो सब उठकर खाना खाओ। पप्पो को देखो इतनी देर से बाजे दे रही है। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बस आसिम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चले सब उठे खाना खाएं। भाई आसिम जो कहेंगे वो हर्फे आखिर होगा, मैं आंखें बंद करके अमल करूंगी। आसिम के एक इशारे में मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे भाई आपने बारी मुझे गाना है। अरे सबर करो। हाँ तो क्या था गाना हमारा? 1 2 3 4 5 क्या हंगामा है माशाल्लाह। बाजी ताशरी हो रही है। अच्छा आया जान, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि जब आसिम भाई बड़े हैं तो पहले शादी उनकी होनी चाहिए। क्यों हायजान? बस ये बकवास कर रहा है और कुछ नहीं, बस कर दो अब। भाईजान जी मुसर्रत भाई, देखें आज हारिस की जब रस्म होगी ना, जैसे ही वो चौकी से उठेगा ना, हम आसिम को उसी चौकी पर बिठा देंगे। क्यों भाई? हाँ तो ठीक है ना,
ताकि जल्द अज जल्द आपके सर पे भी सहरा बन सके और आपकी दुल्हन भी हमारे घर आ जाए। मेरा मतलब है इसी घर की दुल्हन घर आ जाए। थानी अब तू बहुत पिटेगा, जुबान बंद कर ले। अच्छा बस खुदा के लिए बस अब चलकर खाना खा लो भाई। अरे शाम को इतने लोग आने, इतने काम रहेंगे कि अब बस इसी को लेके बैठे रहेंगे। चलो सब चले फिर। आप भी आ जाएं। पहले आप। ये कागज क्यों फैला रखे हैं आपने? क्या परेशानी है? वैसे सारी जिंदगी मुझे आपकी समझ नहीं आई। और हमें आपकी समझ नहीं आई। वाह 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 वाह। देखें, हिसाब किताब रखना जो है ना वो खवातीन का काम होता है कि पैसे कितने खर्चे, कहाँ खर्चे, क्यों खर्चे और कहीं ज्यादा तो नहीं खर्चती है। वाह भाई एहसान साहब, एक ही लाडली बेटी है हमारी, उसकी शादी करने चले हैं तो आप पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं। भाई जो कुछ भी हमारा है वो हमारी बेटी का ही तो है। अरे भैया अपनी शादी पर तो मेरी जान भी कुर्बान। अच्छा तो फिर? तो फिर ये कि मैं ये सारा हिसाब देख रहा था कि बारात के बाद कितने पैसे बच रहे, तो अंदाजा मुझे हुआ है कि निकाह से पहले हम उसे एक अच्छी सी गाड़ी भी दे सकते हैं। जहेज के नाम पे खुद हारिस ने और उसके घर वालों ने एक धेला लेने से भी इनकार कर दिया और आप गाड़ी देने की बात कर रहे हैं। भाई जहेज की कौन बात कर रहा है, मैं तो तोहफा देने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो नाम बदल कर भी देंगे तब भी वो नहीं लेंगे, बहुत अच्छे खुददार खानदानी लोग हैं। मुझे तो ये लगता है कि तुम गाड़ी देना नहीं चाहती। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे माएं तो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप भी बस फजूल बात करते हैं हमेशा। अरे भी मजाक कर रहा हूँ, नाराज क्यों होती हो? भाई हमारी बेटी को वाकई बड़ा खानदानी और अच्छा घराना मिल रहा है। वैसे सही कहा, बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, उसकी किस्मत खुल गई। देखो ना, हमें ऐसा दामाद और उसे ऐसा दूल्हा भी मिल रहा है। हाँ ये तो है, आजकल के दौर में तो सगी औलादें भी मिलजुल करनी रहती, और उस घर में तो उनकी बेवा बहन और बहन की बच्ची वो मदिया। हाँ और मरहूम भाई की औलादें। ए भाई सब एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, ऐसा घराना आजकल के दौर में कहाँ मिलता है। ओहो आपने तो बातों में लगा दिया मुझे, मैं कहने आई थी कि शाम को रस्म के लिए जाना है, फल लाने हैं, मिठाई के टोकरे, इन सब चीजों का इंतजाम करना है। अरे भी हो जाएगा, फिक्र मत करो, कर लेंगे आप। कर दीजिएगा, मेरे बहुत काम है। ठीक, ये समेटें जल्दी से। दरमियान में डिस्टर्ब कर दिया। खैर मोहब्बत, पहली नजर की मोहब्बत, निगाहें मिलते ही चारों तरफ जल तरंग बच उठते हैं, खुशबुएं बिखर जाती हैं। मोहब्बत होती ही पहली नजर की है। हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है, मासूम से अरमानों को एक नई जिंदगी मिल गई है। ऐसा लगता है कि हम जमीन पर नहीं हवाओं में उड़ रहे। ये एहसास ही कुछ ऐसा है कि इसे लफ्जों में बयां ही नहीं किया जा सकता है, और इसकी कैफियत को तो वही समझ सकते हैं जिसे पहली नजर की मोहब्बत हुई है। क्या बोरियत है यार ये शादी के हंगामे।
तंग आ चुका हूँ यार मैं। ये तो फुप्पो अब्बू और फैमिली वालों ने फंसा दिया मुझे, वरना जेल में फंसने का कोई मूड नहीं था मेरा। वाह जबरदस्त, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत तुमसे तो बात करना ही फजूल है यार। क्योंकि मैं इन फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। राइट, तुम मोहब्बत के जाल में फंसोगे ना तब पूछेंगे तुमसे। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओहो तो फिर शादी क्यों कर रहे हो। ओ भाई, शादी और मोहब्बत दो अलग चीजें। हाँ, इसका मतलब मोहब्बत पर तो यकीन है ना तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत कमजोर लोगों की बेसाखी है। दूसरों को और खुद को धोखा देना सरासर झूठ बोलना। अबे चल, भाभी आएगी ना फिर पूछूंगा तुझसे। तो वो मेरी बीवी होगी, एक नया रिश्ता जो जोड़ दिया गया है उसे निभाना होगा, निभाऊंगा बस। अजीब पत्थरदल इंसान हो यार तुम। वो कितने ख्वाब सजा कर आएंगी और तुम हो के बस। तो मैं उसके सारे ख्वाब पूरे करूंगा, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं, कभी किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो भाभी से मोहब्बत नहीं करोगे क्या? वैसे ही करूंगा जैसे मैं अपने घर वालों से करता हूँ, तुम लोगों से करता हूँ, वैसे ही करूंगा मोहब्बत। ओ भाई, मोहब्बत में जीना और मर जाना यही जिंदगी है। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, ये मोहब्बत की तस्वीर मेरे सामने मत पड़। जिस मोहब्बत की तू बात कर रहा ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो है ही नहीं, और मुझे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से भी नहीं। मैं सोचती हूँ कल किस कदर हसीन होगी, खिलेंगे फूल अपनी राहों में, ना कोई गम ना जमाने का डर होगा। ये खुशनसीबी है मेरी, ये तू मेरा हम सफर होगा। घर में इतने काम पड़े हुए हैं और अब तुम यहाँ फुर्सत से बैठी हो। अब वो मैंने कर दिए हैं सारे काम। सब? हाँ सब। तुम्हारे पास कोई बोतल का जिन है? नहीं, मगर काश होता। तो क्या होता? तो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। कैसी ख्वाहिश? यहाँ से कहीं दूर फूलों की वादियों में एक छोटा सा घर हो, जहाँ खुशबू का बसेरा हो, प्यार हो, मैं हूँ और मेरा तो यहाँ से कहीं भी जाने का मूड नहीं है। और मैं तो कहूँगा तुम भी यहीं पर रहो। किस चीज़ की कमी है हमारे पास? जन्नत जैसा घर है, और तुम जिस फूलों की बात कर रही हो ना, बाहर पूरा बाग है हमारे पास। रात की रानी की खुशबू से सारा महला महकता है, और सुबह उठते ही दिन का राजा। रात की रानी, दिन का राजा, कितना खूबसूरत कपल है ना। आपके पास कोई ऐसी मिसाल है? मिसाल? हाँ, जैसे हारिस और शाजिया हो जाएंगे और फिर मैं और आप। तो मेरा काम करना भूल गई ना? तुम हमेशा भूल जाती हो मेरा काम करना। जी नहीं, ये रहे, ये देखें, कर दिया है काम आपका। उफ,
ओ मैं तो भूल ही गई, शाम को मेहंदी लेके घर आने वाले, इतने काम पड़े और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये आप पकड़े आप। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो कहिए ना। तुम्हारा दुपट्टा कहीं फट ना जाए। ये ले भाईजान। अरे जीती रहो जीती रहो मुसर्रत, बैठो जी। भाई माशाल्लाह से कैसी रौनक लगी हुई है घर है। माशाल्लाह, सोचता हूँ शादी का हंगामा खत्म हो जाएगा तो फिर वही सन्नाटा छा जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें भाईजान, अल्लाह हमारे घर की रौनकों को कायम रखे और हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। भाई अगर शादी का हंगामा नहीं होगा तो कोई और हंगामा होगा, और अब तो हमारी दुल्हन आ रही है घर में, तो हमारे डांसर है ना दानियाल साहब, वो ऐसे ही बैठेंगे, अरे खूब नोक चोक रहेगी देवर भाभी में। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी शमा अब तो नखरे उठवाती है ना हम सब से, तो कल को एक और मिल जाएगी उसे हारिस की दुल्हन, और अपने नंद होने का फायदा उठाकर रोब जमाकर काम निकलवाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा हंसता बसता रखे। मुसर्रत मैं तो सोचता हूँ कि अब तो आसिम और मदीहा को रिश्ते में बांध देना चाहिए। यकीन जानिए भाईजान मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आसिम है बस वो एक ही बात पे अटका हुआ है कि नहीं पहले बहन की शादी होगी फिर उसकी। ये क्या बात हुई भाई, हम ये बात नहीं मानते भाई। शमा अभी छोटी है, बच्ची है, पढ़ रही है, और हमारे घर की रौनक है, गुड़िया है हमारी, इतनी जल्दी हम उसे रुख्सत करने वाले नहीं। ये तो आप सही रहे भाई, मैं तो लड़की की माँ हूँ, आप है ना ताया, बात करें लड़के से। अरे भाई ताया हूँ, लेकिन तुमने माँ बनकर पाला है, और तुम ये भी देखो कि ये बच्चे तुम्हारे सामने सर तक नहीं उठाते, इतना अदब करते हैं। तुम्हारा काम है इनको ऑर्डर देना, हुक्म देना। ठीक है, बात करूंगी अब मैं। करो बात। जरा देखा हूँ बाहर। पांच दिन बाद भी शक्ल दिखा रहे हो और पांच दिन बाद भी वही शक्ल है जो पहले थी। जी नहीं। अच्छा क्यों, मेरे सिंग निकल आए हैं, या मेरी नाक टेढ़ी हो गई है, या मेरी आंखें बैंगी हो गई हैं? ओह कम ऑन दानी, मैं सीरियस हूँ, मजाक के मूड में नहीं, हद होती है। तुम्हें जब भी कॉल करो दो मिनट से ज्यादा बात नहीं करते, मिलने का कहो तो मसरूफियत के बहाने। पारिया क्या हो गया, मेरे घर में मेरे भाई की शादी हो रही थी। कौन सा तुम्हारा सगा भाई है हारिस? अब जरा मुझे ये बताओगी कि सगा और सौतेला क्या होता है? He's your cousin. चाचा का बेटा है ना, तो तुम्हारा कजन हुआ। Let me clear this. देखो मेरे वालिद और मेरे चाचा दोनों मेरे दादा के बेटे, और उन दोनों बेटों के मैं आसिम भाई और हारिस, जो मेरे दादा की रगों में खून वही उनके बेटे और बेटियों की रगों में खून, इसका मतलब है कि हम सब एक ही खून है, हम सब की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। For God's sake, बस कर दो, तुम तो पूरी अपनी दास्तान ही लेकर बैठ गए हो। यार मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, वो भी प्रूफ के साथ कि हम सब सगे भाइयों की तरह हैं। अच्छा बस बस, माफ कर, बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुमसे ये बात कर ली मैं। अच्छा बच्चा माफ किया तुम्हें, आइंदा नहीं करना। अच्छा सुनो,
लॉन्ग ड्राइव पे चलें? क्या हो गया फारिया? मेरे भाई की मेहंदी है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। अच्छा एक काम करो, चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ? वही स्पॉट जहाँ हम रोज बैठते हैं, आ जाओ। भाई हारिस के बाद तो अब आसिम की बारी है। भाई आसिम की बात तो आप छोड़ दें, आसिम के लिए लड़की तो घर में ही मौजूद है। अरे हाँ, देखो मैं भूल गया, आसिम के लिए तो लड़की ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं। खैर से माशाल्लाह से आसिम अपनी जिम्मेदारी बहुत एहसन तरीके से पूरी कर रहा है, और फिर घर बनाने की जिम्मेदारी तो इसके अलावा इनमें से किसी पर भी नहीं है। अरे पप्पो, हारिस ने भी अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक कह रहे हो आसिम बेटा, ठीक कह रहे। भाई ये तो भला करें इनके दादा का, जो अच्छे वक्तों पर इतना बड़ा घर बना कर चले गए। हाँ बिल्कुल सही कह रही पप्पो, पर ना आजकल इस महंगाई के दौर में घर बनाना तो जैसे किसी पहाड़ को सर करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बस अब तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इस घर को हर बुरी नजर से दूर रखे, और इस घर के सारे लोग हमेशा मिलजुल कर खुशियां बांटते। आमीन आमीन आमीन। आसिम बेटा, वो डेकोरेशन वाले नहीं आए अभी तक? हाँ मैं भी मालूम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमें किसी तरह की खिदमत नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बस आप आ जाएंगे तो हमारे लिए यही इज्जत अफजाई बहुत। जी जी जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ताया जान, पुप्पो देखे ना, मुझे झुमकाज पहना था और इसका टूट गया। अच्छा दिखाओ मुझे, मैं जोड़ देता हूँ, हो सकता है जुड़ जाए। अब जुड़ेगा थोड़ी, इसकी तो हुक ही नहीं है, ये तो नहीं जुड़ सकता, ये तो दूसरा लेना पड़ेगा। ये रे भाई दूल्हे मियां के आज के ड्रेसेस, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हैं? बेगानी का है की? क्यों? वो भाई साहब ऊपर आराम कर रहे हैं प्रिंस चार्ल्स की तरह, और हम लोग को नौकर बनाया हुआ है। कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। दानियाल भाई चले मत बाजार। क्या फिर बाजार? मैं अब कहीं नहीं जा रहा। यार मुझे ये झुमका पहनना था, इसका टूट गया। बच्चों से पूछ लो। नहीं मुझे नया चाहिए। यार तुम्हारे से ही नखरे कि पुराना नहीं पहन सकती। दानियाल भाई प्लीज। अरे ले जाओ ना बेटा। अरे बेटा ले जाओ बहन को, क्यों हलकान किए जा रहे हो उससे? ताया जान, पप्पो मेरी शक्ल देखें, क्या आप लोगों को इस गरीब पे रहम नहीं आता? सही है, मैं अपने कमरे में बंद रहूंगी, किसी इवेंट में नहीं होंगी, किसी से बात भी नहीं करूंगी। अरे अरे अरे, मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो दानियाल भाई का दिल बंद हो जाएगा ना। चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब ला के दूंगा। फिर चले बाजार। तुम साथ चलोगी? जी आज चले। बस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं प्यार में। Thank you.
कैसी लग रही हूँ मैं? बेस्ट। Thank you.
उसे देखा तो एक गहरे सुकून का एहसास क्यों हुआ? क्यों ऐसा लगा कि मैं बेचैन था, करार आ गया? सांसें मध्यम क्यों हो गई? धड़कन क्यों थम सी गई? जैसे जैसे वक्त ठहर गया। काश ठहर जाता वो लम्हा, कभी ना गुजरते, मेरे सामने बैठी रहती। खराब हो गया मुझे ये कैसा अजीब सा एहसास है। अरे सुकून के बाद बेचैनी, जैसे कुछ कुछ रख के कहीं भूल गया हूं। कौन थे वो? कौन थे वो? नहीं मामू जी, मुझे घर जाना होगा, मैं रुक नहीं सकती। अरे बेटा रात बहुत हो गई है, यहीं पर रुक जाओ। हाँ ना नाया, अब इतनी रात को अकेले कैसे जाऊंगी? एहसान साहब भी थके हुए, वरना यही ड्रॉप कर देते। नहीं इसकी आप फिक्र ना करें, मैं खुद चली जाऊंगी और घर पहुंच के आप लोगों को कॉल भी कर दूंगी। बेटा जितनी देर में तुम यहाँ से निकलोगी और घर पहुंच के हमें फोन करोगी, तब तक तो हमारी जान सूली पर अटकी रहेगी ना। मुझे आप लोगों की परेशानी का एहसास है मामू जान, लेकिन अभी आप देखिएगा दानिया परेशान करने लगेगी, वो कहीं भी नहीं रुकती है और पूरी रात जागेगी और सोएगी भी नहीं। देखिएगा सो चुकी है वो। हाँ सो भी? तुम्हारे बहाने हैं यहाँ ना रुकने के, सारी बात दानिया पर रख देती हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है शाजिया, वो बाकी कहीं नहीं रुकती, पता नहीं भी कैसे सो गई है। उसने एक कहानी भी पूरी नहीं सुनी और गायब, थक के सो गई होगी। जी ऐसे ही हुआ होगा। अरे बेटा अब तो दानिया भी सो गई है, तुम भी यहीं रुक जाओ, हम भी अब आराम करने जा रहे हैं, तुम भी आराम कर लो, ठीक है? चलो चलो कमरे में चलते हैं, बातें करता हूँ। परिंदों की खूबसूरत चहचहाट सुन रही हो ना? जानती हो क्या कह रहे हैं? हमारी मोहब्बत की गवाही दे रहे हैं। आज हम एक होने वाले हैं ना, और हमेशा एक रहेंगे। तुम यहां खड़ी हो, क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर ये आंसू फैसल की फिर से याद आ गई है ना? नहीं। तो भूल क्यों नहीं सकते? मेरे बस में नहीं। कोशिश तो कर सकती हो ना नया, आप हमेशा नाकाम हो जाती। तो फिर शादी कर। तुम बार बार वही बात क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। शादी कर लोगी, घर बसा लोगी, इसी की संग में रहोगी तो फैसल को भूल जाओ। दानिया जाग गई होगी, वो अम्मी के साथ मजे से नाश्ता करेगी। तुम लोग तो मुझे इसकी फिक्र ही भुला देते हो। अब्बू और अम्मी मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं, और वो भी खूब नखरे उठवाती है नाना और नानी से। क्या देख रही हो? बहुत प्यारी लग रही हूँ। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, सदा आबाद रहो हारिस के साथ। जितना सोचा है ना प्यार का, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें प्यार दे। आमीन सुमा। आमीन।
हारिस, सुबह हो गई है, क्या हो गया? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और पता है तुम्हारी शादी की कितनी तैयारियां बाकी हैं, जल्दी से आओ। मंजू, क्या ये शादी कुछ अरसा टल नहीं सकती? पागल हो गए हो? रात को घास खा के सोए थे या कोई ख्वाब में परी देख ली है? हाँ, परी तो थी, लेकिन अब सुबह हो चुकी है, जाग जाओ, भूल जाओ अपनी परियां वरियां और चलो चल के नाश्ता करो। बच्चों, ये मोहब्बत कैसे होती है? फजूल काम है, लंगड़ों की बैसाखी है जिस चीज का नाम है मोहब्बत। वैसे तुम्हें कैसे ख्याल आया कि मोहब्बत कैसे होती है? बताए ना। मोहब्बत बस हो जाती है जब आप बार बार किसी को देखना चाहें, दिल चाहे कि हर लम्हा वो आपकी नजरों के सामने रहे, और जब दूर जाए तो नींद ही उड़ जाए, और जब नींद आए भी तो सिर्फ उसी के ख्वाब दिखे, और दिल, लेकिन तुम तो बहुत पत्थर दिलो, तुम्हें क्या लगे इन बातों से? ये तो बहुत नाजुक दिल और नाजुक से जज्बात रखने वालों का काम है, इतना आसान नहीं है। शायद मैं मुश्किल में पड़ गया। आज आपकी दुल्हन आ जाएगी तो आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, हर वक्त वो आपकी नजरों के सामने होगी, खाने में, सोने में, उठने में। और शादी के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसके घर आने से पहले ही उसके शौहर को उससे मोहब्बत हो गई। यही तो मुश्किल है। उफ़, तुमने मुझे बातों में लगा दिया और अंदर मामू जान गुस्सा हो रहे, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, जल्दी से आओ नाश्ता कर लो, अंदर फौरन आ जाना वरना अम्मी भी नाराज होगी। जल्दी से आ जाना वरना मामू जान फिर से बोलने लग जाएंगे, बहुत सारे काम बाकी है, जल्दी आ जाओ। दिमाग चल गया है मेरा, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल गया। मोहब्बत, लंगड़ों की बेसाखी।